हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज 25 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। पहले हम 22 नवंबर से लेकर अब तक के हिमाचल प्रदेश के करंट इवेंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम एक फेस्टिवल पर चर्चा करेंगे। आज का फेस्टिवल रहेगा हरियाली। पहले हम फुलैच फेस्टिवल पर बात कर चुके हैं और उससे पहले सभी इंपॉर्टेंट मेले हम देख चुके हैं और अंत में हम सिंगल लाइनर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट्स स्टडी विद सब्सटेंस। पहला है, नेपाल ने जीता है 3 डेज एक्रो एंड एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग कंपटीशन जो आयोजित किया गया है बिलासपुर में बंदला पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट से। ये बंदला पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट को अभी अभी अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट से, आफ्टर बीर बिलिंग ये सेकंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट है। टोटल इस कॉम्पिटिशन में 57 पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक्यूरेसी कॉम्पिटिशन में नेपाल के विशाल थापा फर्स्ट रहे, सेकेंड और थर्ड ऊपर ऑल थ्री पोजिशंस पे नेपाली पायलट्स रहे। अगर एक्रो कंपटीशन की बात करें तो अमन थापा नेपाल के हैं जो पायलट, वो फर्स्ट रहे एक्रो कंपटीशन में, सेकंड रहे हिमाचल प्रदेश के विक्की ठाकुर और थर्ड भी हिमाचल प्रदेश के ही ऋषि राज। दोनों ही कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज में 60,000 रुपीज़ प्राइस मनी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 2014 में 644 सुसाइड केस रिकॉर्ड किए गए, 2015 में ये घट के रह गए 543। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दिस शुड बी 543, और 2016 में फिर से बढ़ के हो गए 642। तो 644 से हम पहले नीचे आए 2015 में, 543 पे लगभग 15.3% का कमी हुई, और उसके बाद हम 543 से फिर से हम चले गए 642 पे, तो यहाँ पर 18.2% की वृद्धि हुई। तो हिमाचल प्रदेश 2016 के आंकड़ों के हिसाब से उन 9 स्टेट्स में था जहां पे सुसाइड के केसेस में इंक्रीज नोट किया गया, बढ़ोतरी दर्ज की गई। और नेशनल काउंट अगर हम बात करें, 2015 में कुल सुसाइड के केसेस आए पूरे इंडिया में 133,600 के आसपास, और 2016 में वो घट के रह गए 131,000 के आसपास। तो नेशनल लेवल पे तो कमी आई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2015 से अगर कंपेयर करें तो 2016 में 18.2% की बढ़ोतरी हुई, 543 से लेकर 543 से 642 केसेस। हिमाचल प्रदेश में 2016 के आंकड़ों के हिसाब से ही पर 1 लाख पीपल 9 सुसाइड्स रिकॉर्ड किए गए और नेशनल एवरेज में 10.3। तो हम नेशनल एवरेज में सुसाइड रेट की बात करें तब तो 9 पर 1 लाख पे 9 सुसाइड्स नोटिस किए गए और नेशनल पे 10.3, तो उस हिसाब से तो हम नीचे हैं, नेशनल लेवल से कम है हमारा, लेकिन केसेस में हम इंक्रीज़ किए हैं 18.2%। हिमाचल प्रदेश लीस्ट सुसाइडल रेटेड स्टेट्स की लिस्ट में 13th लीस्ट सुसाइडल स्टेट है और सिक्किम है 40.5 रेट के साथ टॉप इस लिस्ट में, फॉलोड बाय पांडिचेरी एंड निकोबार। अंडमान निकोबार पांडिचेरी सेकंड, अंडमान निकोबार थर्ड। हिमाचल प्रदेश का पहला अल्ट्रा मॉडर्न बस स्टैंड इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ने ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे 21 टोटल बस की बाईलाइंस बनाई गई हैं जिसमें अलग अलग गाड़ियाँ पार्क रहेंगी। और एक MOU हुआ है MRC ग्रुप और HRTC के बीच में, जिसके हिसाब से इस बस स्टैंड का मैनेजमेंट 40 साल के लिए देखेगा MRC ग्रुप। MRC ग्रुप है मुकेश रंजन कॉन्ट्रैक्टर्स और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो जिसका हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के दसुया में, और ये 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। इसके फाउंडर और प्रेजेंट MD हैं मुकेश रंजन, इन्हीं के नाम पे ये कंपनी है मुकेश रंजन कॉन्ट्रैक्टर्स MRC। नेक्स्ट इज सोलर पावर पोटेंशियल। पहले भी हम पिछले वीडियोस में सोलर पावर पोटेंशियल देख चुके हैं नेशनल और हिमाचल प्रदेश का, फिर भी हम इस वीडियो में एक ओवरव्यू लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल सोलर पावर पोटेंशियल है 34 गीगावाट और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 2022 तक 700 मेगावाट प्रोडक्शन कर लेंगे सोलर पावर की। अब क्विक फैक्ट्स देखते हैं सोलर पावर के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 60 स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप्स हिमऊर्जा के थ्रू लगाने का प्लान है, जिसमें से अब तक 18 गवर्नमेंट बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स पे लगाए जा चुके हैं 1176 किलोवाट की कैपेसिटी के साथ। सेंटर इसमें 60% की सब्सिडी देता है। हिमऊर्जा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है मैसर्स जुबिटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें, कुल पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश में 27,436 मेगावाट और उसमें से 10,547 मेगावाट का दोहन हो चुका है। ये
अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के एक हाई लेवल एग्जाम में आ चुका है, हिमाचल प्रदेश का कुल पावर पोटेंशियल, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, तो इट्स स्टैंड्स एट अराउंड 27,436 मेगावाट। नेक्स्ट इज हरियाली फेस्टिवल पे बात करते हैं कि मानसून रेन्स या मानसून सीजन की स्टार्ट के लिए मनाया जाता है, स्टार्ट में ही मनाया जाता है और इससे ही स्टार्ट होता है मानसून रेन्स मानसून सीज़न। ये जनरली जुलाई के महीने में मनाया जाता है, यहीं से ये सीज़न स्टार्ट होता है बरसात का। इसे कहीं कांगड़ा और सिरमौर में हरियाली कहते हैं, अपर शिमला के पार्ट्स में रियाली कहते हैं, लाहौल में इसे शेकसम कहते हैं और जुब्बल और किन्नौर एरिया में इसे दुखरेन कहते हैं। इस फेस्टिवल से 10 दिन पहले 5 तरह के अनाज के बीज को बोया जाता है एक छोटी सी बास्केट में। इसे कोई भी फैमिली का मेंबर बोता है और इसे जो भी घर का देवता गृह देवता होता है उसके स्थान के नज़दीक ही बोया जाता है और कहीं कहीं पे तो इसे डोर के ऊपर वाली फ्रेम के ऊपर भी रखा जाता है। और हरियाली के दिन शिवजी और पार्वती के क्ले के आइडल्स बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इनके यूनियन से ही हमारी लैंड में फर्टिलिटी आएगी, उपजाऊ होगी हमारी लैंड शिवजी और पार्वती के यूनियन से ही। बिलासपुर हमीरपुर मंडी और कांगड़ा के एरियाज़ में ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लीस बग्स फ्लीज इन सबको जलाया जाता है, कीड़े मकोड़ों को जलाया जाता है और यहाँ पे इसे कहते हैं चीड़ांग दी सज्जी। चीड़ा इज सम इंसेक्ट टाइप, तो यहाँ पे इसका नाम है चीड़ांग दी सज्जी हरियाली फेस्टिवल का। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कि हरियाली फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है या चीड़ा दी सज्जी नाम किस फेस्टिवल का है, सो इट गोज़ विद हरियाली फेस्टिवल। किन्नौर के लोग अपने ग्राम देवता को वाइल्ड फ्लावर्स के हार पहनाते हैं और इस दिन इवन बैलों को भी आराम दिया जाता है, इस दिन खेतों की जुताई नहीं होती। नाउ वी कम टू सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक। हिमाचल प्रदेश में कुल 8,66,000 अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग थे एज ऑन 31 अक्टूबर। अगर हम 31 अक्टूबर का डाटा देखें तो हिमाचल प्रदेश में कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों की संख्या थी 8,66,000, सबसे अधिक कांगड़ा में, उसके बाद मंडी में, देन शिमला एंड देन हमीरपुर। और अक्टूबर 2019 में ही इंडिया का नेशनल लेवल पे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो ये अब तक के सबसे उच्च स्तर पे था 8.2% के, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश को और ये मिला है हिमाचल प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान की दो मोबाइल ऐप्स हैं, शिक्षा साथी और द टीचर्स ऐप। 500 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिया है हिमाचल प्रदेश को 6 साल के लिए। ये दिया है स्टार्स स्कीम के लिए। स्टार्स इज स्ट्रेंथनिंग टीचर्स लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, दे शुड बी लर्निंग। 5 सितंबर 2019 को टीचर्स डे के दिन चंबा के विकास महाजन को दिया गया नेशनल टीचर्स अवार्ड और कुल्लू होस्ट करेगा एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में। इससे पहले पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया गया था 2015 में, यह हुआ था बीर बिलिंग कांगड़ा में। अब बंदलाधार बिलासपुर को भी ऑफिशियली अप्रूव किया जा चुका है एज अ सूटेबल टेक ऑफ साइट फॉर पैराग्लाइडिंग। हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है बंदला, जहाँ पे अभी 3 दिन का एक्रो एंड एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया, 57 पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया। बीर बिलिंग को माना जाता है सेकंड बेस्ट एरोस्पोर्ट साइट इन द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी उपाधि है हिमाचल प्रदेश के लिए। बीर बिलिंग कांगड़ा को पूरे दुनिया में एरोस्पोर्ट के लिए, एरियल खेलों के लिए सेकंड बेस्ट साइट माना जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप स्माइलिंग।